हो ना, ये कोई 55 अस्पताल हैं जो काम कर रहे हैं, फंक्शनल हैं, है? और जिनके पास आज की तारीख में 903 बिस्तर हैं गरीब लोगों के लिए, है ना, ठीक है। अब 903 बिस्तर से क्या होता है, और वो सीमित है, है? और अभी क्योंकि जानकारी लोगों को इसकी सुविधा की बहुत हो गई है, तो हर तरीके से लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, है ना। अच्छा, जितने बिस्तर होते हैं उसका 10% देना होता है इनको, गरीब लोगों को। और किनको देना पड़ता है, जिनकी महीने की जो है आज की तारीख में 14,000 से फैमिली इनकम। तो एक तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस फैमिली इनकम में नहीं आते, हाँ, वो प्लीज मुझको मत कहें कि मैं उनका कार्ड बनाऊंगा इन हॉस्पिटल के लिए, कि वो गलत होगा, ठीक है। दूसरा ये कि ये सीमित सुविधा जो है ना, और अभी देखने को मिल रही है कि 200-150 लोगों की ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट चल रही है वहां पर। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मैं आप लोगों को भेज दूंगा, लेकिन अगर तुरंत किसी को बिस्तर चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि वहां किसी हॉस्पिटल में इमीडिएटली बिस्तर मिलेगा, नंबर एक। और अगर खुदा ना खास्ता आईसीयू की जरूरत हो तो आईसीयू तो बहुत ही मतलब मुश्किल है, और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आईसीयू बेड इतने कम हैं, और वो भी भरे रहते हैं, और वहां भी 40-40, 50-50 लोगों की लिस्ट आईसीयू बेड्स के लिए होती है, तो ये सब बहुत मतलब आसान नहीं है ये भी। लेकिन ये है कि अब ये है कि जो ओपीडी वगैरह होते हैं उसमें 25% उनको देना होता है जितने मरीज देखते हैं, तो वो एक अच्छी सुविधा है। और उसमें क्या होता है कि, और मुझे लग रहा है कि मैं ये देखता हूँ कि लोग मेरे पास आते हैं तो इसलिए शायद आते हैं कि मेरे पास आने से लोगों को फायदा होता है, इसीलिए आते हैं। और हम भी इसीलिए लगे रहते हैं कि जब तक आप लोगों को मुझसे फायदा हो रहा है हम भी लगे रहेंगे आपके साथ, ठीक है। लेकिन व्यवस्था को ठीक करना बहुत जरूरी है, और व्यवस्था तभी ठीक होगी जब हमारा सरकारी जो व्यवस्था है ना अस्पतालों का, पूरे देश में, दिल्ली नहीं, पूरे देश में व्यवस्था जब ठीक होगी ना तभी होगा। और आज पता है दिक्कत क्या है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कितने लोगों को पता है, हमारे देश में आपका जो स्वास्थ्य का हक है उस पर पूरे देश में कोई कानून नहीं है। अगर आप कोर्ट में चले जाओ कि मैं बीमार हूँ मेरा इलाज करें, तो सरकार ये कह सकती है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है इनके पास खर्च करने के लिए, है? तो इसलिए एक जरूरी ये है कि एक जो है ना राइट टू हेल्थ का कानून बने। अभी कल मैं अखबार में पढ़ रहा था, राजस्थान सरकार एक बना रही है राइट टू हेल्थ, अब देखेंगे कि उसमें क्या लिखा है। बहुत अच्छा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ वाले भी बना रहे हैं, लेकिन केंद्रीय सरकार को बनाना चाहिए और इसका फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए, ठीक है। हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि एक एक पोस्ट कार्ड मोदी जी को लिखो कि हमारे स्वास्थ्य का अधिकार जो है वो मूल अधिकार बनाया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता, पता नहीं किसी ने लिखा है या नहीं लिखा है। लेकिन आप लोगों को फिर मैं आज कह रहा हूँ कि आप लोग जो है ये एक एक पोस्ट कार्ड अगर लिख सकते हो, पोस्ट कार्ड मिलता है, देख सकते जानते हैं लोग पोस्ट कार्ड को, और कितने उन्होंने देखा ही नहीं पोस्ट कार्ड क्या होता है, ऐसे भी होंगे यहाँ पे हाथ खड़ा करो जिन्होंने पोस्ट कार्ड देखा ही नहीं है, कोई नहीं ऐसा है, पोस्ट कार्ड नहीं देखा ना। एक जमाने में तो पोस्ट कार्ड में तो पिक्चर बन जाती है। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में ना एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जानते हो कितने लोग जानते हो ईएसआई को, कोई हाथ खड़ा करो जिनको ईएसआई के बारे में पता है कुछ, ये तो पता है ईएसआई के बारे में। ये जो ईएसआई है ना, ईएसआई एक कानूनन बॉडी है, और आज की तारीख में इसमें जो है 13 करोड़ लोग इसके मतलब एक तरीके से बेनिफिशियरी है, 3 करोड़ के करीब इसके इंश्योरेंस पर्सन है, और 13 करोड़ के करीब उनके फैमिली मेंबर को जोड़कर है। और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, यही एक कानूनी हक है, लेकिन सिर्फ ये उन लोगों के लिए हक है जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं और जिनकी तनख्वाह 21,000 से नीचे पर मंथ है। अगर 21,000 से ज्यादा होगी तो ये सही से आउट हो जाओगे। तो इसके अंदर यही एक स्टेचुटरी राइट है, लेकिन वो उनके लिए है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर कोई ईएसआई में है तो उसका जितना भी खर्चा हो, अगर एक साल में एक आदमी पे 1 करोड़ रुपए का भी इलाज का खर्चा होगा ना, तो वो ईएसआई को करना होगा। हमने ऐसे ही दिल्ली हाई कोर्ट में कम से कम आज हिंदुस्तान के 13-14 बच्चे हैं जिनको रेयर डिजीज है, और उनके ऊपर कभी सोचा है आपने, एक साल में 1 करोड़ रुपया दवाई का खर्च होता है एक बच्चे पे, सुना है कभी किसी ने सुना है? और हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर करा के आज कम से कम 13-14 बच्चे जो है उनको ये दवाई ईएसआई दे रहा है रेगुलरली, और ये पूरी जिंदगी देगा।
तो ईएसआई से जो लोग जुड़े हुए हैं वो कम से कम इस बात को समझ लें कि हमें ईएसआई का फायदा उठाना चाहिए। और उसमें यह है कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी, कोई भी बीमारी, आजकल तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज देते हैं और पूरा 100% खर्चा वो उठाएंगे, तो वो एक बहुत इज्जत वाली चीज है। बाकी तो आप देखते हो कितना बुरी हालत है हॉस्पिटलों के अंदर। और एक दूसरा ये कि मोदी वाला जो है ना, मोदी जी को चिट्ठी लिखो, पोस्टकार्ड लिखो, लिखो, अगर आप लोग लिखोगे ना तो हो सकता है आने वाले वक्त में मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़े आपको। और मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे पास नहीं आओ, सबको सुविधा मिले। अभी कोई आदमी पता नहीं कल का चला हुआ होगा या मेरे पास आया होगा, हो सकता है रात को 11-12 बजे रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरे पास आना ना पड़े। तो आप एक तो अपनी लड़ाई खुद थोड़ा सा लिखो, लड़ो, और जब तक ये सुविधाएं नहीं बनेंगी ना ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। और अस्पताल जो निजी अस्पताल है इनके पास समझ लो कि बहुत सीमित ये है। हम सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा बता मुझे लग रहा है धीरे धीरे जैसे आप बता रहे हैं लोगों को आगे पीछे कुछ ना कुछ मिल जाता है, है। और अगर किसी को प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ आप लोग जाते हैं किसी को कोई असुविधा होती है या किसी और को भी होती है तो आप प्लीज मुझे ना पोस्ट कार्ड या चिट्ठी लिखकर जो है ना रिटर्न में कंप्लेंट दो, क्योंकि हमें कोई यहाँ से दिखता तो नहीं है ना अस्पताल में क्या रहा है। तो अगर आप मुझे कंप्लेंट देंगे तो हम उस अस्पताल से बात कर सकते हैं और उस अस्पताल के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई भी करनी होगी ना वो भी हम देख सकते हैं, उससे कुछ सुधार होगा। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है तो बोलो फटाफट, 2-3 मिनट कहना है। लिखना क्या होगा कार्ड में? मैंने बताया था वो 17 लाख रूपये मैक्सिमम खर्चा उठाया, 16 दिन आईसीयू में रखा, चाहे वो बच्चे और वो आपके करने से हुआ है। और उनको ये बोल रहे थे डॉक्टर जब वो खत्म होंगी ना उनका ब्रेन और हार्ट फेल होगा, और दोनों ही ऐसा ही हुआ, लेकिन आपकी वजह से फैब्रिक वालों ने भी लिया नरेला और आपकी वजह से मैक्सिमम 18 लाख रूपये लगवा के खत्म हुई है। और अभी एक बच्चा 4 दिन पहले मेरे पास सिक्किम से आया था, 2.5 साल का बच्चा, लड़की है वो है, और उसके जो किडनी है ना किडनी में ट्यूमर है और वो ट्यूमर सरक के जो है ना उसकी स्पाइन में चला गया, रीढ़ की हड्डी में, और रीढ़ की हड्डी से उसके पेट में चला गया। और उसको मैंने बीएल कपूर हॉस्पिटल में भेजा है? और बीएल कपूर वालों ने उसको तुरंत एडमिट कर लिया हॉस्पिटल के अंदर, और अब उसकी उन्होंने प्लान किया है 6 महीने उसका ट्रीटमेंट होगा। पहले तो 6 कीमो होगी उसकी, और उसके बाद फिर जो है उसका सर्जरी होगा, उसके बाद फिर उसके बाद उसका 6 महीने का उन्होंने प्लान किया है। और मुझे लगता है कम से कम 50 लाख रुपए का खर्चा जो है ना वो हॉस्पिटल उस बच्चे के ऊपर करेगा और इन लोगों को 1 रुपया भी उसको हॉस्पिटल को नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मतलब दुख की बात यह रही है कि हमारे ये जो निजी अस्पताल है ये तो जिम्मेदारी है इनकी, कोई एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर, लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ तो हमारा 1 रुपया भी नहीं लगता, मतलब मुफ्त जाते हैं हम, मुफ्त अंदर से आते हैं, लेकिन किसी हिंदुस्तान में कोई ऐसा सरकारी अस्पताल नहीं है। पहले तो वहाँ पे आपको इलाज ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, और अगर इलाज मिल जाए तो उसमें भी बहुत बड़ा खर्चा है। अभी कल परसों एक सफदरजंग का पेशेंट था, उससे 80,000 रुपये मांग रहे थे वो, तो ये